पड़ता है, लेकिन हिंदी के हिसाब से महीने और मौसम बिल्कुल वही रहता है। तो ये कविता उसी को लेके है कि कैसे चैत से फागुन कैसे मौसम बदलते हैं। कार्तिक महीने में कुएं की मुदेर पर बैठ सुबह का तारा देखते हुए मैंने अनगिनत कथाएं सुनी है। कार्तिक महीने में कुएं की मुदेर पर बैठ सुबह का तारा देखते हुए मैंने अनंत कथाएं सुनी है। फागुन में मैंने रिश्तों को गुलाल लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है बहुत। बैसाख में गेहूं की बाल तोड़ के सूखती धरती को चटकते देखा कि उनका। सावन में नीम के नीचे गहराए नीम के नीचे झूलों में तेंदे बढ़ाते मैंने आसमान छुआ अनंत का। छोटी उम्र के अनुभव मुझे आज भी आश्वस्त करते हैं। छोटी उम्र के अनुभव मुझे आज भी आश्वस्त करते हैं। जेठ की तपती धूप में ज्यादा दिन नहीं तपोगी क्योंकि इसके तुरंत बाद सावन बरसते हैं। छोटी उम्र के अनुभव मुझे आज भी आश्वस्त करते हैं। और एक कविता, हम लोग छोटे होते थे तो गुड़गावा एक पास में हम लोग एक दूसरा गांव होता था जो कि हरियाणा में पड़ता, बीच में एक नहर थी जो कि दिल्ली और हरियाणा के बीच में हुई मंदिर जैसा था। तो हम लोग मेले में जाते थे और वो बैसाख में वो मेला लगता था। अगर बैसाख में इससे जो पहले का महीना है जो बारिश हुई थी और सारी फसल खराब हो गई थी, किसान का जो जीवन होता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने जो खेत में बोया है वो आपको मिलेगा भी कि नहीं। बोले पड़ेंगे और बस खाते सब कुछ। तो फसल अच्छी होती तो हम लोग मेले में जाते थे। तो मेला कैसा होता था और हम जा पाते थे कि नहीं जा पाते थे। चैत की हल्की धूप गेहूं की पक्की बाल फसल होगी मेला लगेगा। कच्ची राह पर चलती बैलगाड़ी घुंघरू वाली मनियारी का टोकरा लाल हरी चूड़ियों वाला पीली छींट का कुर्ता भालू का तमाशा बंदर की ससुराल बाइस्कोप की फिल्म हथेली में दबी मीठी गोलियों की चिपचिपा मामा के कंधे की सवारी और फिर अचानक फैलती स्याही बिखरती बूंदे खेत पर गेहूं पर आंगन और छत पर पलक छपकी और हम जमीन पर। मौसम भी ख्वाबों को बेवजह भगा देता है। मौसम भी ख्वाबों को बेवजह भगा देता है। एक और कविता है जो मैं हमेशा शुरू में कहती हूँ, बच्चे हैं तो हम लोग बहुत पर्यावरण की बात करते हैं। कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा। क्या बात, बहुत सुंदर है। कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा हो। बीज रोपे पेड़ न दे, कुदाली से खोदे पानी न दे, इसके भीतर का महासागर और दिल्ली का जंगल इसके भीतर ही सिमट जाए तो कैसा हो। ये सोचते ही मैं सुन होने लगती हूँ, ये सोचते ही मैं सुन होने लगती हूँ। पाँव के नीचे से अंजली में मिट्टी भर माथे से लगा लेती हूँ। कहते हैं आत्मीय स्पर्श किसी को सन्यासी नहीं होने देता। कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा। और और कभी धरती ने कुछ और इसके लिए ना हम सब जिम्मेदार है। जो जितना गरीब है कम जिम्मेदार है, जो जितना रईस और अमीर है सबसे ज्यादा जिम्मेदार है।
सब दूर किया जा रहा है रियली सच्ची में बहुत संन्यास ले सच्ची में एहसास होगा इसीलिए उसको वो आत्मीय स्पर्श उसको उसको प्यार करना बहुत जरूरी है एक्चुअली नहीं करना बहुत एक्चुअली भी हुआ ये कि हमें लेना था हम छीनने लग गए हम छीनने लग गए ये गलती सिर्फ अपने जितना नहीं चाहिए जो नहीं चाहिए वो भी ले रहे हैं अब लालच का क्या चीज़ है बीमारी लगी और इसी से धरती का ही एक दूसरा एक है गोमुख जहाँ से गंगा निकलती है अचानक से चट्टानों के भीतर से पानी चढ़ता है कहीं सूत्र नहीं मिलता है उसका कहाँ से आ रहा है पानी किसने कहा चट्टाने अड़ी अटल निश्चल खड़ी होती किसने कहा चट्टाने अड़ी अटल निश्चल खड़ी होती हैं तुमने देखी नहीं इसके भीतर ही भीतर खोखली हुई गुफा जो बर्फ जमी मार की रातों में ठिठुरती हुई अपनी कोठरी में होती है तभी तो इसकी दहली से अनंत जलधाराएं बहती हैं किसने कहा चट्टाने अड़ी अटल निश्चल खड़ी होती है ये मेरी अपनी बात जब भी सावन की तीज आती है मेरे भीतर पूरा गांव बस जाता है जब भी सावन की तीज आती है मेरे भीतर पूरा गांव बस जाता है झूले पर झूलता मन फिर से गीत गाता है मेरे बंद कमरे में मेरे पड़ोस की लड़की का सिंगारा फूलता है मेरे बंद कमरे में मेरे पड़ोस की लड़की का सिंगारा फूलता है मन आसपास सबको गुंजियां बांटता है अकेले बैठ मौसम से जुड़ा उत्सव मन अपने भीतर ही मना लेता है जब भी सावन की तीज जाती है मेरे भीतर पूरा गांव बस जाता है और हम बात कर रहे थे मातृ दिवस की एक कविता जो मैंने मेरी माँ पर है और इसका एक सच ये भी है कि तब मैं 40 दिन की थी तो लड़की नहीं चाहिए थी मेरे पिता के परिवार में और एक कविता भी है कि मैं पिता दिवस नहीं मनाती दरअसल मैं पिता का दो ही दिवस नहीं मनाती लेकिन मैं मातृ दिवस मनाती हूँ और वो क्या थी कहानी वो है मेरे गांव की चौपाल बोलती है ये मेरी माँ की कहानी है मेरे गांव की चौपाल बोलती है बारात आई इस गांव में पगड़ी को पाँव में रख कितनी बार मनाया रिश्ते मिठाई की परातों से मोती चूर के लड्डू चुराए बनने की खबरें उड़ते उड़ते बनी के कान